प्रणाम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू करूंगा और जानकारी दूंगा एक ट्यूब के विषय में। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको उसे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ज़्यादातर लोग इसे जानते भी हैं। ये है क्रैक क्रीम, जो कि हील्स रिपेयर के काम आती है। तो आज हम इसके विषय में बात करेंगे, जानेंगे ये किस काम आती है, कैसे इसको लगाना चाहिए, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसका प्राइस है। तो दोस्तों, अपने वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको इसके अंदर ट्यूब दिखा देता हूं। ये इस तरह की बड़ी प्यारी सी पैकिंग में इसकी ट्यूब आती है। साथ ही साथ अगर हम खोल के बात करें तो इसके अंदर ये ओपन ही आती है। इसमें कोई नोजल या किसी प्रकार का कुछ नहीं होता, केवल आपको स्क्वीज कर कर इसे यूज़ कर लेना है। हमेशा अपने क्लीन हाथों से इसे यूज़ करें, साथ में कैप को टाइट बंद कर कर रख दें और अपने हाथ फिर से धो लें। अब बात करते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करती है। दोस्तों, इसके अंदर कुछ ऑयल्स मिलाए गए हैं, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाई गई है। साथ ही साथ ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम का रोल देती है, जो कि सीवियरली डैमेज्ड जो स्किन हो चुकी है उन दरारों के बीच में जाकर भरने का काम ये इजीली करती है। अब मेन बात आती है कि जैसा कि जो चीज़ें डाली गई हैं वो क्या क्या काम करती हैं। सबसे पहले तो वो हील का काम करती है, वो आपकी हील्स को प्रॉपरली हील्स करती है, यानी कि उसको जो दरारें आ गई हैं उन्हें भरने का काम करती है। साथ में ये आपको एक सूदिंग इफेक्ट देती है, आपको एक जैसे फटी हुई एड़ियों में जलन होती है उस जलन को कम करने का काम भी ये ट्यूब करती है। साथ ही साथ जो इसका मेन रोल है वो है मॉइस्चराइज करना, आपकी फटी हुई स्किन को ये मॉइस्चराइज करती है। ये तो रहे दोस्तों इसके तीन इम्पोर्टेंट रोल। साथ में मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। जैसा कि कंपनी दावा करती है कि 5 दिन में फटी हुई एड़िया को ये नॉर्मलाइज कर देती है, इवन दो पीछे इन्होंने फोटो भी दिया हुआ है, एक फटी हुई एड़ी का, एक बिल्कुल साफ एड़ी का। तो जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने पेशेंट्स को इसको रिकमेंड किया भी है, कुछ लोगों ने इसका यूज़ खुद भी किया है और मुझे आकर बताया, तो हाँ दोस्तों 5 दिन में कोई मिरेकल नहीं होता, 5 दिन में ये ठीक नहीं करती, पर हाँ 8-10 दिन के यूज़ में ये बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ती है। ये बात मैं भी कहता हूँ, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी हील को आपके नॉर्मल करने की ये खूबी रखती है। एडिशनली मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कंपनी नहीं बता पाती या कंपनी ने नहीं बताया है। आप जब भी इसको अप्लाई करें, एक हल्की मोटी लेयर बनाकर अप्लाई करें, थोड़ा सा उस पर आप हल्के हाथों से हल्की सी मसाज देने के बाद कोई भी कॉटन की सॉक्स पहन लें। अक्सर रात को आप इसको लगाएं, दिन में हम काम पे जाते हैं, कहीं शूज़ पहन के जाते हैं या सैंडल्स पहन के जाते हैं, उसमें ये पसीने आने की, स्वेटिंग आने की प्रॉब्लम रहती है, धूल मिट्टी की प्रॉब्लम रहती है। तो अच्छे से गुनगुने पानी से पैर धो लें, गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डालकर आप उसमें अपने पैर को थोड़ी देर रख के बैठे रहें। जब पानी थोड़ा ठंडा सा हो जाए तो आप अपने पैरों को अच्छे से साफ तौलिया से पोंछ लें, उसके बाद आप इस क्रीम की मोटी लेयर लगाएं और उस पर अच्छे से हल्के हाथों से जेंटली मसाज कर आप एक कॉटन सॉक्स पहनकर सो जाएं। सुबह तक आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। जब आप यही प्रक्रिया धीरे धीरे करते रहेंगे तो डेफिनेटली 7-8 दिन में आपको आराम मिलना और इवन दो बिल्कुल आपकी एड़ियाँ मुलायम होने स्टार्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसे लेकर कुछ सावधानी के विषय में। इसको बनाया गया है स्पेशली फॉर हील पर्पज़ के लिए। ऐसा नहीं करें कि कहीं से हाथ फट गया है या कहीं से आपकी स्किन कहीं और से टोर्न हो गई है तो आप इसे वहाँ भी अप्लाई कर दें। ऐसा करना कुछ केसेस में खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ जड़ी बूटियाँ और कुछ ऑयल्स मिलाए गए हैं वो हमारे लोअर लिम्स पे ही इफेक्टिव और कारगर और अच्छे रहते हैं, ऊपर की स्किन पे कभी कभी थोड़ा सा कार्सोजेनिक का काम कर देते हैं। अगर गलती से चाट लिया जाए या गलती से कहीं इधर उधर ब्लड स्ट्रीम में मिल जाए तो ये नुकसान पहुंचा देता है। तो कृपया केवल इसको एड़ी के पे ही प्रयोग करें और कहीं आप इसका प्रयोग ना करें। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसे बच्चों की पहुंच से तो दूर रखना ही रखना है, साथ में आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना, धूप में नहीं रखना, हमेशा टाइट बंद करके रखना है, कभी कहीं अंधेरे कोने में रूम में अच्छी जगह रखना है जहाँ इजीली आपकी पहुँच हो, बच्चों की पहुँच जहाँ ना हो। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्राइस के विषय में। तो ये 15 ग्राम की ट्यूब है और 50 रुपये इसकी कीमत रखी गई है।
आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, इजीली मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत चलने वाला प्रोडक्ट है, काफ़ी लंबे समय से ये हमारे बीच है, तो ये इजीली आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको इसके विषय में कुछ और जानकारी मुझसे चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, साथ में एक मेरा ये चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यू सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के साथ साइड में लगा हुआ घंटी का बटन दबाकर छोड़ दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खुश रहें, अपना ध्यान रखें, नमस्कार दोस्तों।